हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आपके पार्टनर अगर आपके टेक्स्ट और आपकी कॉल्स को इग्नोर कर रहे हैं तो ऐसी क्या बातें उनके दिल में, दिमाग में, वो क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। ठीक है, जेंडर रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। अगर अपने आप पार्टनर को टेक्स्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो हम चेक करते हैं कि वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा क्या उनके उनके माइंड में चल रहा है जो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज़ माय एनर्जी साइन स्पीड गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पार्टनर उनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, उनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है, वो क्यों उनको आंसर नहीं दे रहे। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें। प्लीज़ माय एनर्जी साइन स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर उनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपके लिए लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्ड, कोई ना कोई डिसेप्टिविटी उनके अंदर है आपको लेकर, चाहे कितने ही इमोशंस हों, क्योंकि वो अपनी जब फीलिंग्स नहीं बता रहे तो ये डिसेप्टिविटी हो गई ना, वो आपको फेस कुछ और दिखा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल एंड सिक्स ऑफ सोर्ड, आपके पार्टनर आपको जो इग्नोर कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, वो उनके पास आपको प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। उनके पास एक छोटा सा पेंटिकल है और आप उनके साथ होल लाइफ देखते हैं, आप उनके साथ अपनी लाइफ की हर खुशी मैनिफेस्ट करते हैं, उनको पता है। आप उनको उनकी लव लाइफ में उनको आप उनकी आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ के सन हैं, वो सब कुछ फिक्स कर सकते हैं, मैजिक है उनके पास। आपके पार्टनर मैनिफेस्टर हैं, आपके पार्टनर एक मैजिशियन हैं, उनके पास सारे टूल्स हैं, आपको उनको देखने से ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वीक हैं आपके पार्टनर, उनको आपको देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए वो अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा वो थोड़ा सा इस सिचुएशन से निकल कर थोड़ा सा मूव हो रहे हैं ताकि वो अपने अदर साइड्स पर वर्क कर सकें। जैसे कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं हर्मिट, बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट साइन हो सकते हैं इनके बर्थ चार्ट में। ठीक है, स्टोरी लाइन आपसे मैच कर रही है तो साइंस के ऊपर मत जाया करें। आपके बर्थ चार्ट में सारे ही साइंस होते हैं, आपका मून साइन, एसेंडेंट साइन, वीनस साइन और आपका मार्स साइन, कोई से भी हो सकता है, आपका नॉर्थ नोड हो सकता है। तो आप साइंस में मत जाया करें, स्टोरी लाइन आपसे कनेक्ट करें तो आप इस रीडिंग को देखा करें। प्लीज माय एनर्जी साइन स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर के पार्टनर उनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स, कन्फ्यूज़ हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, उनको क्या करना चाहिए, उनको इस बात को नहीं समझ में आ रहा। देखिए, हैरोफेंट, मैंने कहा आप मैरिज डिमांड करते हैं, उनको पता है आपकी सोच में क्या है। वो कहीं ना कहीं बर्डन सम है, उनके ऊपर इतना बर्डन कि वो बेहद अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको जो अभी इग्नोर कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन है आपके पार्टनर। आप उनको ये भी पता है कि अगर वो आपको वो जो आप चाहते हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन रहेंगे। वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, वो बहुत टफ लाइफ गुजार रहे हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी प्रॉब्लम्स आप फेस करें। क्लैरिफाई फाइव ऑफ सूट, क्लैरिफाई आपको कभी भी क्लियरली वो बताते नहीं होंगे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, ना आपको उनकी फैमिली के बारे में पता होगा, ना उनकी लाइफ के बारे में कि उनकी ज़िंदगी में चलता क्या रहता है। होल्ड कर रहे हैं जो भी उनकी ज़िंदगी में मैस क्रिएट हुआ हुआ, सब कुछ होल्ड कर रहे हैं। देखें, सेवन ऑफ वेंड्स, ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है, ब्लॉक हुए हुए हैं आप एक दूसरे से, आप कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई है, बहुत सारी सिचुएशन उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हुई हुई है, उनकी फैमिली वगैरह हर कोई उनसे फाइट कर रहा है। इट मीन्स वो मेंटली एक जंग से, मेंटली एक जंग, एक फाइट चल रही है उनके मेंटल हेड स्पेस में। बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक और अपने आप को एक हारा हुआ इंसान महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। देखें, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हैं, वो आपको ना कुछ बता रहे हैं, ना वो आपको कुछ क्लैरिटी दे रहे हैं, क्योंकि उनको ख़ुद नहीं पता उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है नेक्स्ट। वो फिर वो कैसे एक्सेप्ट कर लें आपको, अगर उनकी लाइफ इतनी स्टक हुई हुई है, वो आपको जो वो फेस कर रहे हैं वो आपको भी फेस करवाएं। क्लैरिफाई
पेज ऑफ पेंटिकल, उनके पास वो पेजेस की एनर्जी में है, उनके पास आपको कुछ भी प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, सिर्फ वो इमोशनली आपके साथ इतने हाईली स्ट्रॉन्ग वो कनेक्ट हैं कि वहीं पर वो किंग हैं। यहाँ पे जो किंग निकला है वो इमोशनली अपने आप को बिल्कुल फुलफिल समझते हैं आपको लेकर, ठीक है। क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है? प्लीज मैजिशियन स्पिरिट गाइड। किंग ऑफ पेंटिकल बिल्कुल अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी ग्राउंडनेस पे वर्क करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हैं, कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं ताकि वो ज़िंदगी में कोई भी स्टेप ले सकें। आपके पार्टनर स्टेबल नहीं है, आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो उस जगह से बहुत परेशान है जिसकी वजह से उनकी फैमिली भी उनसे फ़ाइट करती है हर पर्सन, क्योंकि उनकी फैमिली में उनको किसी ना किसी की पेरेंट्स की किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उनको उठानी पड़ती हैं। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सूट एंड यहाँ पे आए नाइन ऑफ सूट, स्लीपलेस नाइट है, कुछ नहीं कर पा रहे अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहिए, बेहद वो उनको आपको छोड़ने का भी गम है। ऐसी बात नहीं, वो आपको जो इग्नोर कर रहे हैं। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, आप उनके लिए एक पावर, उनको एक पावर देते हैं, एक उनके लिए एक सपोर्ट का काम करते हैं, चाहे आप उनको फाइनेंशियली हेल्प करें ना करें, आपका उनसे बात करना ही एक हीलिंग उनको देता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे क्योंकि आप उनसे बोलेंगे डिसीजन मेकिंग करो, आप बोलेंगे डिसीजन मेकिंग करो मेरे लिए। अगर उन्होंने ज़रा सा भी आपसे कनेक्ट हो गए, आपसे बात कर ली, वो मजबूर हैं, कहीं पर भी हैं तो वो मजबूर हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मजबूर हैं, किसी ना किसी हिस्से में लेके मजबूर हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, कहाँ स्टक है, किसके साथ आपको जगल कर रहे हैं आपके पार्टनर? हार्ट ब्रोकन, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके साथ उनकी लाइफ कनेक्ट होने जा रही है या तो हो रही है। एट ऑफ पेंटिकल, किसी और जगह काम कर रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर की मैरिज हुई भी हो या हो रही हो, कहीं और उनको एक अपनी फाइनेंशियल इशू की वजह से उनको कहीं और वर्क करना पड़ रहा है। देखिए एट ऑफ पेंटिकल, यहाँ भी पेंटिकल है, आपके पार्टनर कहीं अपने फाइनेंशियल इशू की वजह से कहीं और वर्क कर रहे हैं, कहीं और डिसीजन मेकिंग करने के लिए वो मजबूर हैं, ठीक है। आपके पार्टनर क्यों इग्नोर कर रहे हैं आपको, किसी और तरफ वो डिसीजन मेकिंग करने के लिए मजबूर हैं। क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, क्या क्या होल्ड कर रहे हैं? क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, किस चीज़ को होल्ड कर रहे हैं, कैसी डिसेप्टिविटी को होल्ड कर रहे हैं या पॉजिटिविटी को? क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल, वो होल्ड ये कर रहे हैं, उनको पता है उन्होंने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा है। आप अपने पार्टनर को अपनी विश फुलफिलमेंट समझते थे, आप चाहते हैं आपके पार्टनर जल्द से जल्द उनकी तरफ आए और आपकी और उनकी विश कंप्लीट हो। आपके पार्टनर के लिए आपके पार्टनर आपके साथ ऐसे रहना चाहते हैं जैसे एक दो कपल यंग होते हैं उसके बाद एक ओल्ड एज में आ जाते हैं, ओल्ड एज भी देखना चाहते हैं, लेकिन वो स्टक हैं, विश फुलफिलमेंट वो पूरी नहीं कर पा रहे, वो मजबूर थे आपको लेफ्ट इन द कोल्ड में छोड़ के जाने में, ठीक है। वो आपको जो छोड़ के गए बिना बताए, जानबूझकर गए, वो उनको फाइनेंशियली कहीं और इन्वॉल्व होना पड़ रहा है अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए। क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, कोई थर्ड पर्सन आया है या थर्ड पर्सन के साथ मैरिज है या किसी, अगर किसी मैरिज में रुके हैं तो कोई फाइनेंशियल इशू है, ठीक है। अगर किसी मैरिज कर रहे हैं तब भी वहाँ फाइनेंशियली कोई उनको फाइनेंशियली उनको वहाँ पर सपोर्ट मिल रही है या उनकी फैमिली चाहती है कि वो पर्सन ज़्यादा रिच है कि वहाँ शादी हो जानी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा मामला है आपके पार्टनर जहाँ जा रहे हैं। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा कोल्ड, आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन में बिल्कुल भी एहसास नहीं रहे आपके लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल, किसी ऐसे इंसान की तरफ उन्होंने मूव किया है जिसके पास मनी है, बहुत ज़्यादा इनफ मनी है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सूट, क्यों स्लीपलेस नाइट है आपके पार्टनर की? सेवन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं आपके पार्टनर के पास। और नाइट ऑफ सूट, उन्होंने किसी के दबाव में आके सेवन ऑफ सूट आपको डिसेप्शन देकर कहीं और फैसला किया है, जजमेंट,
कहीं और डिसीजन मेकिंग करी है, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हैं आपके पार्टनर, और जहाँ भी हैं वहाँ भी कोल्ड हैं, बस एक रोबोट की तरह अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर क्यों आपकी लाइफ से गए, वो आपको और किसी और को जगल कर रहे थे और वो ये बात आपको बता नहीं पाए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होंगे। आप इमोशनली अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अटैच हैं, आपको एनर्जी वाइज फील हो रहा होगा आपके पार्टनर कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं। अगर आपको कुछ पता भी है तब भी आपको ऐसा लग रहा होगा उनकी विश फुलफिलमेंट नहीं है वो पर्सन। इंट्यूटिवली आपको ये सब चीज़ें फील हो रही होंगी, आपके पार्टनर ने किसी और तरफ एक मूवमेंट ली है, डिसीजन मेकिंग आपके पार्टनर ने की है, लेकिन आपको डिसेप्टिविटी, आपको बैकस्टेप करके गए बहुत ज़्यादा। आप देख रहे होंगे अगर आप कॉल करने की, मैसेज करने की, टेक्स्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर बेहद कोल्ड हो चुके हैं आपकी तरफ से, पास्ट में नहीं रहे हैं लेकिन अब कोल्ड हो गए हैं। वो कोई आपको अपना अपनी फीलिंग्स पता चलने दे रहे हैं, ना अपने आप को एक्सप्रेस होने दे रहे हैं, पास्ट में करते होंगे लेकिन अब नहीं कर रहे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी इस सिचुएशन में, आपके लिए क्या एडवाइस लेगी। क्लियर है आपके पार्टनर क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, कोई ना कोई उनकी इस सिचुएशन में फाइनेंशियली एक वो जुड़ी है, क्या बेनिफिट जुड़ा है, कोई एक्शन लेंगे या नहीं। हम वो इस डेक से चेक करते हैं कि आपके पार्टनर कोई आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं या नहीं। प्लीज़ माय जीसन स्पीड गाइड मुझे बताएं, मेरे व्यूवर के पार्टनर जो उनको इग्नोर कर रहे हैं उनकी तरफ कोई एक्शन आएगा या नहीं। क्लैरिफाई नहीं, एक्शन प्लीज़ माय जीसन स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन आएगा या नहीं। ये कार्ड कम यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लिटर है इस कार्ड में। ठीक है, सेवन ऑफ फ्रेंड्स, नहीं, ब्लॉकिंग आपकी सिचुएशन यहाँ पे कायम रहेगी, आपके पार्टनर कोई आपकी तरफ एक्शन नहीं लेने वाले। टू ऑफ कप्स, बिल्कुल किसी और तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके पार्टनर। और फोर ऑफ पेंटिकल, होल्ड कर रहे हैं आपकी तरफ से जो भी सिचुएशन है, अब वहाँ दिल से हो रहे हैं, अब उनका कोई वो नहीं है, खुद भी चाहते हैं आपके पार्टनर हील हो जाएं। देखें थ्री ऑफ पेंटिकल, दोबारा थ्री की एनर्जी आई है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, आपको रिजेक्शन फील हो रही है। एंड यहाँ पे आया टेन ऑफ कप्स, बिल्कुल कहीं और बिगनिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर और खामोश हैं। हाई प्रेस्ट्रेस आपको नज़र आ रहा हो तो मैं दिखाऊँ, यहाँ पे हाई प्रेस्ट्रेस, यहाँ पे आया, देखें दोबारा आया है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, कहीं किसी ना किसी पेंटिकल की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ भी मूव ऑन कर रहे हैं वहाँ पैसे से लेने देने से कुछ ना कुछ जुड़ा है और फैमिली इन्वॉल्व है। देखें टेन ऑफ पेंटिकल, किसी से मैरिज हो रही है और फैमिली इन्वॉल्व है, टेन ऑफ, यहाँ पर ही पेंटिकल का कार्ड है, कप्स का भी आ सकता था लेकिन पेंटिकल का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कहीं और उनकी परेशानियाँ कम हो सकती हैं। ठीक है, आपके पार्टनर तो कोई एक्शन नहीं लेने वाले फ़िलहाल, वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं, रिजेक्टेड आपको फील करा के अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज माय जीसन स्पीड गाइड, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है, उनको इस वक्त क्या करना चाहिए। प्लीज माय जीसन स्पीड गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूवर को इस वक्त क्या करना चाहिए। जस्टिस इज कमिंग, आपको जस्टिस मिलेगा, आप इस बात की फिक्र मत करें। ठीक है, एक्सपेक्टेशन, डोंट सीक एनीवन अप्रूवल, आप किसी का वेट मत करें कोई आपको अप्रूवल देगा। आपके पार्टनर ने, मैंने वहाँ देखा भी एक्शन में, आपके पार्टनर ने रिजेक्शन दी है, बैकस्टेपिंग की है। सही है, हाउ द फॉर यू हैप्पीली एवर आफ्टर, आप हर वक्त खुद को खुश रख सकते हैं। ठीक है, जस्टिस आ रहा है, आप किसी को इतना मौका ना दें कि आपको कोई खुशी का कोई खुशी की वजह बन सके, अपने आप को अप्रूवल दें, आप अपने आप में कंप्लीट हैं। ठीक है, और आप खुद के साथ खुश रह सकते हैं अभी भी और बाद में भी, किसी के ना होने से या ना होने से आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स टाइम टू फॉर हीलिंग नॉट वार, आपको मना करा जा रहा है कोई किसी भी वार में इंडल्ज ना हो, आपका टाइम है हील होने का। और यहाँ पे है स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ, अपने सेल्फ स्लो डाउन हो जाएं, थोड़ा सा आहिस्ता हो जाएं और अपने
सेल्फ को सेलिब्रेट करें, टेक अ चांस ऑन देम, खुद को कोई ना कोई मौका दें, एंडिंग्स आर इन सही है, एंडिंग्स एक न्यू बिगनिंग्स ला रही हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है द वर्ल्ड अ वेट फॉर यू, ये वर्ल्ड जो है आपका वेट कर रहा है, अपने आप को अपनी वर्थ को पहचानें, अपने सेल्फ पे वर्क करें। आपको कहा जा रहा है स्लो डाउन, सेलिब्रेट योर सेल्फ, अपने सेल्फ को सेलिब्रेट करें, ठीक है। इस टाइम इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वार, ये एक लड़ाई का, ये एक वार का, ये एक फ़ाइट का टाइम नहीं है। आपके पार्टनर जो कर रहे हैं रिलीज़ करें, रिलीज़ कर दें उनको, उनको उनको चेस मत करें, जो कर रहे हैं करने दें। ये आपके लिए यूनिवर्स ने इससे बेहतर कुछ और रखा है, जस्टिस होगा आपके साथ, आपको जो आपको समझेगा ऐसा पर्सन यूनिवर्स प्रोवाइड करेगा। एक्सपेक्टेशंस डोंट सीक एनीवन अप्रूवल, आपको कोई भी अप्रूवल नहीं दे सकता सिर्फ आपके अलावा, आपकी कोई खुशी आपकी नहीं छीन सकता, आप अपनी खुशियों को खुद अप्रूव करते हैं, तो आपको करना चाहिए, ठीक है। टेक अ चांस ऑन देम, खुद को एक चांस दें, खुद के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट करके देखें कि आपको कितना मज़ा आएगा खुद के साथ, आपकी लाइफ एक अलग ही वर्ल्ड में होगी, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं रखती हूँ, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।